जी हाँ, आज हम लेके आ चुके हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दो ऐसी रिमोट कंट्रोल कारों की जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इन दोनों के प्राइजेस की भी बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इन दोनों की अनबॉक्सिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी करने वाले हैं, और टेस्टिंग हमारे चैनल की एक नंबर की होती है। बाकी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें आगे भी नई नई वीडियोज बनाने का उत्साह भी मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। बाकी वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो में इनकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्राइसेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है हैमर। बाकी ये भी फुल्ली रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पर देख सकते हैं 3+ एज है, 3 साल से ऊपर वाले ही बच्चे इसे चला सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 150, और नीचे वाले की बात करें तो इसका भी प्राइस है 150। बाकी दोनों ही हमें एक अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इनके स्पेसिफिकेशन की, तो ये वाली हमारी 1:26 की स्केल पर बेस्ड मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कई सारी इसकी स्पेसिफिकेशन भी दे रखी हैं। इस वाली रिमोट कंट्रोल कार का नाम है क्रेजी चैलेंजर। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा छोटी रिमोट कंट्रोल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस भी लिखा हुआ है। चलिए हम इसे बाहर निकाल के देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्काउंट। ओके, तो रिमोट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी कार बाहर आ चुकी है, और इस वाले रिमोट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और डिब्बे को रख देते हैं साइड में। बाकी ये वाली हमारी कार बाहर आ चुकी है, चलिए हम इस वाली हैमर कार को भी बाहर निकालते हैं। बाकी कुछ लोगों को जाननी होंगी इसकी स्पेसिफिकेशन, तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर है 3+ एज। बाकी यहाँ पर 1:24 की स्केल पर बेस मिल जाती है ये वाली मॉडल कार। बाकी ये है हैमर की मॉडल कार। यहाँ पर एप्पल टॉय एंड गेम लिखा हुआ है, शायद इसी कंपनी की है ये वाली रिमोट कंट्रोल कार। यहाँ पर लिखा हुआ है सिमुलेशन कार। बाकी यहाँ पर वही मॉडल कार करके लिखा हुआ है इधर ब्लू कलर में। बाकी इसी की मॉडल कार दूसरे कलर में भी है, और यहाँ पर 1:24। बाकी चलिए हम इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका एक्सपीरियंस। तो फाइनली ये हमारी हैमर कार। बाकी हम इन दोनों के प्राइजेस के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, इन दोनों को मिनी कार भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। बाकी चलिए हम इन्हें चला कर देखते हैं, और देखते हैं कि कैसी चलती हैं ये वाली रिमोट कंट्रोल कार, हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है इन्हें चलाने में। तो चलिए इन दोनों में सेल को डालकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ढक्कन तो बंद हो चुका है, चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंदर हमारी लाइटें जलने लगी हैं। बाकी यहाँ पर कई सारे कलर मिल जाते हैं हमें इस वाली लाइट में, और रिमोट में भी कल डाल के देख लेते हैं, और देखते हैं कि ये वाली कार चलती है फिर नहीं। तो ये रहा रिमोट, और उसमें हमने डाला पहला सेल, और ये डाला दूसरा सेल। ओके, और अब इस वाली ढक्कन को लगा लेते हैं। तो हमारा ढक्कन भी लग चुका है, अपनी हैमर को थोड़ा साइड में रखते हैं और उसे चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमारी जो छोटी वाली डिस्काउंट कार है, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से चल रही है, बाकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। तो चलिए अब अपनी हैमर कार में सेल डाल देते हैं, इस वाली से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी हैमर। बाकी इसका हमने बैटरी कंपार्टमेंट खोल लिया है। यहाँ पर पड़ा पहला सेल, ये पड़ा दूसरा सेल, और इसके बाद पड़ा तीसरा सेल। बाकी ढक्कन को कर लिया हमने बंद, और अब अपने रिमोट में बटन को टैप करते हैं, और देखते हैं कि हमारी ये वाली हैमर कार चलती या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से चल रही है। बाकी चलिए चलते हैं आउटडोर और देखते हैं कि कैसे चलती हैं ये दोनों कारें। बाकी वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि कई सारी हम आउटडोर टेस्टिंग भी करने वाले हैं, और आउटडोर टेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पहले कर लेते हैं कैरी टेस्ट, और अपनी हैमर कार को इस छोटी वाली रिमोट कंट्रोल कार पे रखते हैं, और देखते हैं कि ये इसे ले जा पाती या फिर नहीं, ये इसे लेकर आगे बढ़ पाती या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी हैमर कार इस पर रुक चुकी है। बाकी चलिए हम इस वाले बटन को टैप करते हैं, और देखते हैं कि ये इसे लेकर आगे बढ़ती या फिर नहीं। 1, 2 और 3, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, हमारी छोटी वाली कार है बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस वाली हैमर कार को लेकर आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी हैमर कार है, ये इस छोटी वाली आरसी कार को लेकर आगे चल पाती या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमने छोटी वाली आरसी कार को इस पर रख दिया है,
बाकी चलिए अब हम रिमोट में बटन को टैप करते हैं और देखते हैं कि ये इसे आगे ले जा पाती या फिर नहीं। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग कितनी आसानी से ये आगे ले जा पा रही है। अगर आज की वीडियो आप सभी को सच में पसंद आई, सच में अच्छी लगी, तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि लाइक से हमें आगे भी आप सभी के लिए नई नई वीडियोस बनाने का उत्साह मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little